चिंता ना करो। आपको जो करना है, आपको जो मंत्र, जो जाप, जो मोहिनी, जो जैसा कर, मुझे मेरा मेरे प्यार से मिला दो यार, तो बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ मैं। चिंता ना कीजिए, सब ठीक होगा, ऐसे निराश नहीं होते। क्योंकि क्या है ना, मैं किसी पे फेथ नहीं करती हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से आप पे फेथ किया है, जी कि मैं भरोसा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जी हाँ जी, मुझे दिल से लगा कि आप मेरे लिए कुछ हेल्प कर पाओगे। वो है ना, मुझे धोखा दे रहा है बेटा, मैं सन 2 साल से रिश्ते में, अब वो मुझे धोखा दे के कहीं और आगे बढ़े, मैं ये नहीं चाहती, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी यार। मैं बहुत फैमिली और लड़कियों में दिल से भगवान को इतना मानती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में ये सब हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, निश्चिंत वो रहिए। यही कर रहा है, वो मेरी साथ धोखा कर रहा है, मुझे छोड़ के कहीं और आगे बढ़ेगा, फिर कहीं और लाइफ में कहाँ जाऊंगी। अब कुछ सोचो, मैं वैसा नहीं रिश्ता चाहती कि मैं कहीं और मैं नहीं रह पाऊंगी, कोई नहीं कोई मैं नहीं, अपनी लाइफ का इसका कुछ कोना नहीं चाहती। लोग सोल्यूशन निकालना। मर जाते हैं लेकिन मेरी मम्मी मेरी बिना जी नहीं पाएगी अगर मुझे कुछ हो गया तो, जी, कहाँ इसलिए मैं से निवेदन कर रही हूँ। मुझे नहीं, से बोल रहे हो आप, हाँ कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं इंदौर से बात कर रही हूँ, अच्छा, कोई बात तो मैं नहीं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि जी प्लीज आप उन्हें आइए, आपसे विनती कर रही हूँ, जी मुझे मेरा मतलब मुझे उनके दिल में मिली जो सम्मान प्यार चाहिए, मुझे बस मुझे वो दिला दीजिए। अब कैसे इंसान पूरी लाइफ नहीं बोल पाऊंगी, बस मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं वो? वो मेरी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मैंने उनको उनका सच सामने लेकर आ गई हूँ ना, जैसे कोई और लड़की का मतलब उनकी लाइफ में पहले थी और इन्होंने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मुझे पसंद करने लगे थे तो इन्होंने पहले वाली लड़की के बारे में कुछ बताया नहीं, और फिर मेरे साथ रिश्ते में होने के बाद भी उसके मिले, उससे बात भी की कई बार, तो मुझे जस्ट पता, मैं बोलती थी आपका फोन बिजी है तो वो बताते ही नहीं थे, जब मैंने सच पकड़ लिया तो किस उनके सामने लेकर आ गई, तो तब से ये सब चीज हम दोनों के बीच में ये सब चीजें हो रही है, और उस लड़की को भी पता चल गया कि ये मुझे धोखा दे रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही है, तो मैं नहीं चाहती यार कि किसी और की वजह से मेरी लाइफ खराब हो। कितने महीने से हो रहा है? अब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब एक एक महीना, 1 महीने से। ठीक हाँ है जी, चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो ये। हाँ मतलब एक महीना, 20 25 25 दिन हुए अभी, 20 25 दिन, तो अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो उसके लाइफ में वो कहीं आगे ना बढ़ जाए, उसके पहले प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, जी, निश्चिंत निश्चिंत रहिए, आपकी हेल्प की जाएगी। आज रात को क्योंकि मैं मैं जी आज रात को मोहिनी लगाता हूँ, इसके बाद जो है वो टोटली आपके कंट्रोल में होगा। हेलो, जी, हाँ बोलिए, आज रात को मैं अनुष्ठान कर देता हूँ, इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा। हाँ प्लीज उसको ले आओ यार, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, वो अपनी ही चला रहा है, अपने अपने गुरूर में इतना चूर है कि उसके पास भी मेरी निकल नहीं हो रही है, और मैं तो लड़कियों में नहीं, मतलब लड़के लड़के चेंज कर सकते हैं, मुझसे ऐसे सब चीजें नहीं, अभी मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि एक गया तो दूसरा आ गया, दूसरा गया तो तीसरा आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत दिल से भगवान की पूजा करती हूँ, माता रानी को दिल से मानती हूँ, जहाँ जाती हूँ मैं झोली फैला के अपनी अपनी लाइफ के अपने फ्यूचर के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मेरी बात अगर ऐसा होगा ना तो मैं अपने आप खुद में टूट जाऊंगी अंदर से, मैं बोल रही नहीं, हूँ। माता रानी ने बहुत सारे अपने भक्त बिठा रखे हैं, ऐसा माँ का लाल भी है कोई, जो आपकी समस्या को दूर करेगा, चिंता ना कीजिए। इसलिए आप मेरी एक ही ना एक एक होप हो, एक उम्मीद तो आप मेरी, तो प्लीज निवेदन कर रही हूँ, आपको सच में नहीं आप ऐसा जानती, करना, सुनो, आप मेरी बात पता नहीं सुनो, कैसे। अभी 9 बजे जो हाँ है, बोलिए ना, 9 बजे मैं अनुष्ठान करूंगा, आप ना नहाकर तैयार रहना, 9 बजे, 9 बजे से पहले पहले हाँ मैं ठीक आपको है, वीडियो कॉल करूंगा। ठीक है, ठीक हाँ, है जी। तो तो वीडियो कॉल करेंगे तो उसमें क्या करना रहेगा। वो लाइव जो है, लाइव सारा कुछ होगा, तो आपको जो है उसमें पार्ट लेना है, आपको भी उसमें मंत्र बोलने हैं। मतलब मुझे
जैसे मैं यहाँ साथ से, में हाँ आपके साथ मन बोल जी हाँ जी, यहाँ से जो अनुष्ठान होगा ना उसका लाइव रहा। हाँ वीडियो आपको मैं दूंगा, तो आपको उसके साथ जैसे मैं बताऊंगा वैसा करना है। मतलब मुझे क्या कर, मुझे अभी बता दीजिए ना मुझे क्या करना आप ऐसा कीजिए, नहाकर बैठ जाइएगा, मैं आपको उस टाइम पर मंत्र दूंगा, बस वो रिपीट करना है आपको। है। रिपीट करना जी है तो मतलब देख के पढ़ना है या मुझे पहले से दे दीजिए तो मैं उसको आप याद ऐसा कर लूंगी तो कीजिए, बोल ये याद कर पाऊंगी। लीजिए, हाँ हाँ याद कर लीजिए, याद, ठीक तो आप मुझे भेज दीजिए ना तो मैं है, याद मैं कर आपको लूंगी व्हाट्सएप ताकि कर मुझे दूंगा। उसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी हाँ जी, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो देखिए देखिए मैं ना, आप भले आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं तो इनको जानता भी नहीं लेकिन फिर भी ये मुझसे नहीं इतना ऐसा नहीं फोर्स होता, करके मैं आपको बोल दे रही रहा है। हूँ, आप व्हाट्सएप चेक कीजिए अपना। ठीक, हाँ ना, 1 मिनट में देख। ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी आपने देखा कि किस तरह से एक स्त्री जो है वो अपने प्रेमी के प्यार में व्याकुल है। इस तरह की परिस्थिति में जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ एक ही विचार जो है वो विचरण करता रहता है कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र हो या फिर किसी भी साधन से आपका जो प्रेमी है वो आपकी ओर आकर्षित हो जाए, वो पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाए। लेकिन ज्ञान के अभाव में ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह की जब परिस्थितियां आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए और कौन सा ऐसा मंत्र है जो कि इस तरह की परिस्थितियों में कारगर होता है? आज का जो मंत्र है वो है उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल ही नए हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता और जो भगवत कृपा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं, कि अगर भगवान की आपको कृपा देखनी है कि वो आप पर कितने मेहरबान हैं, कितनी आपकी चिंताओं को वो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना उनको फिक्र है आपकी, तो जब कभी ऐसा प्यार में कुछ आप धोखा खाएं या फिर सामने वाला जो है वो रूठ कर कहीं चला गया हो या वापस ना आ रहा हो, कोई तीसरा बीच में आ गया हो और आप चाहते हैं कि वो वापस आपके पास आ जाए, तो आपको आंख मूंद कर ये मंत्र बोल देना है। कामदेव का मंत्र है और बहुत शीघ्र अतिशीघ्र फल देता है। मंत्र सुन लीजिए, ये जो अभी अभी जिन्होंने साधनाएं शुरू की हैं या फिर जो अग्रसर हो रहे हैं साधना की तरफ उनके लिए है। क्लीम कामदेवाय, साथी का नाम, आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से, क्लीम कामदेवाय, साथी का नाम, आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। जहाँ पर भी साथी का नाम आया है वहाँ पर आपको अपने जो भी, जिसको भी आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं, जिसको भी वापस बुलाना चाहते हैं, उनका नाम लेना है। और ये जब दो समय का एक समय होता है उस समय पर करना है, जैसे कि जब अंधकार प्रकाश को ढक रहा हो और जब प्रकाश जो है अंधकार को ढक रहा हो, मिटा रहा हो, उस समय पर आपको ये करना है। मतलब कि डॉन और डस्क पे ये आपको करना है, सुबह और शाम जब दोनों पहर मिल रहे हों उस समय पर आपको ये करना है। यदि आप 11 से 21 दिनों तक इस प्रयोग को कर लेते हैं तो यकीन मानिए सामने वाला चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो वो भी आपके यहाँ पर पानी भरेगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर या फिर मुझे कॉल कीजिएगा 9988416125 पर। धन्यवाद।